रीवा में एयरपोर्ट के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रीवा में पर्यटन की अकूत संपदा भी अब लोगों के पहुंच से दूर नहीं होगी। पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है, जिसमें भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, उज्जैन और पंचमढ़ी के साथ रीवा का नाम सबसे आगे है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अब रीवा के एयरपोर्ट से डबल इंजन की और टैक्सी उड़ान लोगों को मिल पाएगी, जो पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। रीवा के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना अब लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। बता दें कि प्रदेश में आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ होगा। इसका शुभारंभ सीएम मोहन यादव 12:30 बजे भोपाल स्थित स्टेट हैंगर से करेंगे। इस सेवा के शुरू होने के बाद प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के पहुंचने में और ज्यादा आसानी होगी। हवाई टैक्सी का न्यूनतम किराया 3,000 रुपए तक हो सकता है। पहले चरण में भोपाल, जबलपुर, रीवा, खजुराहो, उज्जैन और पंचमढ़ी को धार्मिक पर्यटन हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। ये बहुत ही ऐसा शुरुआत है जिसकी लोगों को बहुत दिनों से अपेक्षा थी कि जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, जो धार्मिक पर्यटन के जो हमारे केंद्र हैं, वहाँ लोगों का आना जाना समय को बचाते हुए हो सके, इसके लिए डबल इंजन के विमान जो 8 सीटर के होंगे। पहले आपको ध्यान होगा वेंचुरा चलती थी, सिंगल इंजन का था, लोगों को लगता था ये सिंगल इंजन है। अब इस बार जो टैक्सी सेवा शुरू हो रही है वो डबल इंजन वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर बुलाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही जल्दी इसकी शुरुआत होगी, जिसमें रीवा भी जुड़ा रहे।